यूं तो सरकारें विकास का रोना रोती हैं। चुनाव से पहले कई लुभावने वादे किए जाते हैं, सरकार भी बन जाती है लेकिन घोषणाएं वैसी ही वैसी रहती है और नुकसान जनता का होता है। ऐसा ही कुछ वाकया ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। पूर्व कांग्रेस सरकार ने जिला कांगड़ा के टांडा में तीमारदारों के लिए सराय के निर्माण के लिए 19 अप्रैल 2016 को शिलान्यास पट्टिका तो लगा दी, पर बजट के अभाव में इसका निर्माण आज तक आरम्भ नहीं हो सका है, जिससे यहां तीमारदारों को सुविधाओं से महरूम रहना पड़ रहा है। जिला कांगड़ा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में पूर्व कांग्रेस सरकार ने तीमारदारों के लिए यहां सराय के निर्माण के लिए 19 अप्रैल 2016 को शिलान्यास पट्टिका तो लगा दी, किंतु बजट के अभाव में इसका निर्माण आज तक आरंभ नहीं हो सका है, जिससे ठंड के इस मौसम में रोगियों के तीमारदारों को रात के समय खुले बरामदों में ही सोना पड़ता है। बता दें कि टांडा मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की श्रेणी में आता है। यहां पर 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा रोगियों को मिलती है। इस अस्पताल में कांगड़ा समेत 5 जिलों के रोगियों का उपचार होता है, लेकिन रोगियों के साथ आए तीमारदारों को ठहरने के लिए कोई व्यवस्था न होने के कारण उन्हें अस्पताल के बाहर पार्किंग या बरामदों में ही सोना पड़ता है। हालांकि इस 4 मंजिला इमारत में कुल 6 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है तथा लोक निर्माण विभाग टांडा मंडल ने इसके निर्माण के लिए 2 करोड़ 19 लाख रुपए का एक मंजिल के लिए टेंडर भी लगाया है। इस बारे में टांडा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमेश भारती का कहना है कि इस सराय का लोक निर्माण विभाग ने टेंडर कर दिया है और जल्द ही इसका कार्य शुरू हो जाएगा। सराय का जो है वो पीडब्ल्यूडी वालों ने टेंडर कर दिया है और जैसे ही टेंडर फाइनलाइज होगा तो मेरे ख्याल में काम शुरू हो जाएगा, जो मेरे नॉलेज में है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग टांडा मंडल के अधिशासी अभियंता संजीव महाजन का कहना है कि टांडा में बनने वाली सराय का टेंडर हो गया है और 1 महीने के भीतर इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सराय का टेंडर हमने कॉल कर लिया था, पहले उसकी जो थी हमें ANDS एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सेंक्शन वो नहीं मिली थी फॉर द टोटल अमाउंट, अब वो हमें मिल गई थी और हमें 89 लाख रुपीज़ वो हमें हैंड ओवर हो गया। सराय का टेंडर हो चुका है और खोल भी दिया गया टेंडर और विद इन 3 डेज ये अवार्ड हो जाएगा और ये हम काम शुरू है, 15 तारीख से पहले ये काम शुरू हो जाएगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।